दो साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी, आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस्लामी धर्मांतरण रैकेट से जुड़े मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ कड़ी खुलती जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इनका नेटवर्क 24 राज्यों में फैला है। इस बीच उमर और उसकी संस्था के यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियो डिलीट किए गए हैं। अधिकारी ये जानने की कोशिश में है कि उन वीडियो में आखिर था क्या। क्या पूरी खबर जानने के लिए देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। इस्लामी धर्मांतरण रैकेट से जुड़े पूछताछ में उमर ने एटीएस को फंडिंग से संबंधित कुछ अहम जानकारी दी है। मामला संवेदनशील होने के कारण यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इन आरोपियों को संस्था में फंडिंग कौन दे रहा है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। क्या इसके पीछे सिर्फ धर्मांतरण ही उद्देश्य है या कुछ और, इसके पीछे की वजह जानने के लिए विशेष रूप से छानबीन हो रही है। इसके साथ ही उन संस्थाओं की भी छानबीन की जा रही है जिससे उमर किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा। उमर के अन्य ठिकानों के साथ साथ उसके मददगारों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उमर की स्पीच के वीडियो को भी एटीएस खंगाल रही है। इस्लामिक दवा सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, इस पर उमर की स्पीच के कई वीडियो अपलोडेड हैं। कुछ वीडियो पूरा मामला सामने आने के बाद डिलीट हो गए हैं, उनके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि धर्मांतरण से जुड़े सभी संगठनों की जांच की जा रही है। जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया है उनके परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जिन 24 राज्यों के बारे में उमर व जहांगीर ने बताया है वहां की पुलिस से संपर्क कर चुके हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। मौलाना उमर और मुफ्ती जहांगीर आलम को धर्मांतरण के लिए इस्लामिक देशों से लगातार मदद मिलती थी। इनका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराना था। उमर ने बताया है कि असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल के कहने पर 2011 से 2012 के बीच दिल्ली में इस्लामिक दवा सेंटर की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार सिंह अवस्थी ने बताया कि मतांतरण के प्रकरण में विदेशों से फंडिंग के सबूत मिले हैं। ये धनराशि क्यों और कैसे आती थी इसकी जाँच की जा रही है। जाँच में पता चला की मौलाना उमर के पास इस्लामिक देशों से मिले फंड से अरबों की संपत्ति भी है। उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर स्थित बाटला हाउस में इस्लामिक दवा सेंटर नामक संस्था का संचालन करते थे। यहीं से धर्मांतरण का सारा खेल खेला जाता था। उमर पर आरोप है कि उसने नोएडा के मुकबधीर स्कूल के दर्जनों छात्रों का धर्मांतरण कराया है। उमर गौतम भी पहले हिंदू ही था, वह करीब 30 साल पहले धर्मांतरण कर मुस्लिम बना था। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी।